हिंदी में एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन mandi.com में आज हम आपको एक ऐसे ही अकेले चने की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने भाड़ फोड़ने की शुरुआत कर दी है। एक ऐसा युवा किसान जिसने ग्रेजुएशन करने के बाद तय किया कि उसे खेती से ही व्यवसाय करना है, और उस अकेले युवा किसान के कारण इस पूरे गाँव में लीची की ऑर्गेनिक खेती होती है। इतना ही नहीं, उसने पहली बार लीची को ऑनलाइन मार्केट करने की शुरुआत भी की है, जिससे किसानों की आमदनी में 70 से 80% तक का इजाफा हुआ है। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी रसीली शाही लीची के लिए मशहूर है। यहाँ हर गांव, हर किसान के पास 2-4 से लेकर कुछ हजारों तक में लीची के पेड़ है। इसीलिए मुजफ्फरपुर में न तो लीची के पेड़ खबर बन सकते हैं और न ही लीची की खेती। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि शहबाजपुर गांव में लीची के हर पेड़ और हर खेत में केवल और केवल ऑर्गेनिक तरीकों से खेती होती है, तो जरूर आपको ये कहानी दिलचस्प लगने लगेगी। इस काम को 2002 में शुरू किए और कृषि में व्यवसाय ढूंढने के क्रम में किए। उस समय मेडिसिनल प्लांट का खेती करके मेडिसिनल प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसमें जैविक विधि से करना होता था, जिसमें केचुआ से खाद बना के वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता होती थी। हमने मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में किसानों के यहाँ हमने घूम कर देखा जो इस काम को कर रहे थे, तो हमने वहाँ से कुछ सीखा और फिर आके यहाँ मेडिसिनल प्लांट भी लगाया और वर्मी कंपोस्ट का 2-4 फीट लगाया हमने। और ये दिलचस्पी और बढ़ जाती है जब आपको पता चलेगा इस शहबाजपुर में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की कहानी करने वाले हीरो मुरलीधर शर्मा के बारे में। खास बात यह है कि शर्मा न तो किसी IIM के स्नातक हैं और न ही कोई समाज सेवक। शर्मा पूरी तरह से किसान हैं, जिन्होंने करीब 2 दशक पहले एक स्थानीय कॉलेज से स्नातक करने के बाद ही मेट्रो शहरों में रोजगार तलाशने वाले राज्य से निकलते युवाओं की भीड़ का हिस्सा नहीं बनने का फैसला लिया और अपने परिवार की खेती को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही शर्मा ने ये भी तय किया था कि वो खेती में भी कुछ अलग करके दिखाएंगे। 2004-05 में 20 टन के करीब हम प्रोडक्शन करने लगे, जो कि यहाँ के हम लीची बाग में डालने लगे। इसी क्रम में यहाँ जैविक खेती परियोजना आई, जो बिहार सरकार उसमें इनवर्मिंग कंपोस्ट को लागू किया, जो फर्टिलाइजर एक्ट के तहत 6-7 में आया। तो फिर हम फर्टिलाइजर एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन करा के हमने लाइसेंस प्राप्त किया, जिससे हमारे बाज़ार में डिमांड बढ़ गई। शर्मा भीड़ से अलग निकले और अगुआ बन गए। अब हालात ये हैं कि आसपास के कई ब्लॉक और जिले में शर्मा के केंचुए और जैविक खाद की मांग होने लगी है। केवल पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो शर्मा ने करीब 5 टन केंचुए और 300 टन जैविक खाद की बिक्री की है। आज से करीब 10 साल पहले पहली बार 2000 रुपए में 2 किलो केचुए खरीदने वाले शर्मा आज 140 रुपए किलो केचुआ बेच रहे हैं, जबकि खाद के लिए इन्हें 2 टन पर 1000 रुपए की आमदनी हो जाती है। लंबे समय से जैविक खेती पर टिके रहने और इतने बड़े पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन का नतीजा ये हुआ कि पूरा शहबाजपुर गांव आज जैविक तरीके से लीची की खेती करने लगा है। ये लगभग 700 एकड़ का गाँव है, जिसमें लगभग 65-70 हेक्टेयर में लीची की खेती है, और यहाँ जो भी लीची या आम की खेती है वो सब के सब जैविक है। इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का यूज नहीं होता है। यहाँ तक कि हम फल या मंजर को धोते हैं वो भी ये नीम के तेल से धोते हैं, और हमारी आमदनी गांव की लगभग 10 से 15 लाख रुपए सालाना होती है। जैविक खेती पर सालों खेती करने के बाद शर्मा को ये एहसास हुआ कि लीची की खेती में सबसे बड़ी मुश्किल न तो गुणवत्ता की है और न ही उपज की, सबसे बड़ी मुश्किल है मौसम। मौसम के कारण लीची की उपज पर हमेशा तलवार लटकती रहती है, जिसके कारण किसान आमतौर पर उस अनिश्चितता को झेलने की स्थिति में नहीं रहता। नतीजा ये होता है कि लीची के किसान सीजन से पहले 500 से 1000 रुपए में पूरा पेड़ किसी व्यापारी को दे देते हैं, और फिर उस पर होने वाला पूरा मुनाफा व्यापारी की जेब में चला जाता है। नुकसान होने की हालत में अक्सर किसान को पहले से तय राशि का एक ही हिस्सा मिल पाता है, और कई बार वो भी नहीं मिलता।
इस स्थिति से निपटने के लिए शर्मा ने कुछ किसान मित्रों को मिलाकर एक समूह शुरू किया और अपने पेड़ ठेके पर न देने का फैसला कर लिया। किसान लोग एक समिति बनाए और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, जितने भी हम किसान लोग इस समिति में हैं, धीरे धीरे अन्य किसानों को भी जोड़ेंगे। फिलहाल हम लोग जो भी बाग, चाहे हमारे जितने भी किसान इस समिति में हैं, उनका कहाँ क्या गड़बड़ी है, पेड़ पौधों में किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या है उसमें, जल प्रबंधन से लेकर के उसको हम लोग नीम उम के आधारित जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स है उसी के द्वारा हम लोग सोच रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता कायम रहे। सबसे बड़ी बात, जब समूह में जब काम होता है तो लोग काम बांट करके करते हैं, जब काम बांट करके करते हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क का जो बेनिफिट है वो मिलता है लोगों को, फिर काम को करने में कॉस्ट डाउन होता है, ये बेनिफिट मिलता है, फिर उसको मार्केटिंग में पहुंचाने में उसके लिए अलग है, तो जनरल से ज़्यादा कॉस्ट पर वो सामान बिकता है तो इसका बेनिफिट मिलता है। समूह के साथ काम करने के फायदे जल्दी ही नजर आने लगे, उत्पादन बढ़ा और गुणवत्ता भी, लेकिन एक मुश्किल अब भी बनी हुई थी। शर्मा और उनका समूह अब भी अपना माल बेचने के लिए स्थानीय कारोबारियों पर ही पूरी तरह से निर्भर था, जिसकी वजह से उन्हें मिलने वाली कीमत रिटेल की तुलना में बहुत कम थी। ये सारे किसान जानते थे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के बाजारों में उनकी लीची की मांग जबरदस्त है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इन बाजारों तक कैसे पहुंचा जाए। फिर शर्मा को मदद मिली भारत सरकार की पहल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा से। हमने ये अंतर चार किसानों का पार्टनरशिप ग्रुप बनाकर, जिसका हमने बेस्ट लीची फार्म से पार्टनरशिप डीड को नोटिस से कराकर तब हमने इसमें काम शुरू किया, और ट्रेडर्स को ढूंढ ही रहे थे कि, लेकिन संयोग बस 19 तारीख को एक ट्रेडर जो आत्मा कार्यालय से हमें खबर मिली कि एक लीची का ट्रेडर है जो लीची चाहता है, मैं उनसे मिला, जो NDX करके वो संस्था थी जिन्होंने हमारे बगीचा को देखा, और फिर उनका जो ट्रेड करने का तरीका है वो उन्होंने बताया, तो उन ट्रेड के तरीका हम पसंद आया और उनके साथ हमने ट्रेड किया है। ट्रेड जो मैं किया है उसमें हमें काफ़ी लाभ हुई है। कृषि कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX के राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल करके शर्मा और उनके साथियों ने देश के कई बड़े शहरों में अपनी लीची के लिए ग्राहक तलाशे और फिर बढ़िया पैकेजिंग के साथ सीधे उन्हें लीची बेच दिया। नतीजा ये हुआ कि जहां पहले पीक सीजन में शर्मा की टीम को हर किलो पर 30 रुपए का फायदा हो रहा था, वो बढ़कर 50 से 52 रुपए तक पहुंच गया, यानी सीधे तौर पर उनकी आमदनी करीब 75% तक बढ़ गई। सरकारी संस्था है आत्मा, जिसके माध्यम से NCDEX कंपनी से हमारी मुलाकात हुई और हम लोग उन्हीं से काम किए, जिसमें यहाँ लोकल मार्केट में 30 से 32 रुपए किलो हम लोगों को मिलता था और वहाँ 50 से 52 रुपए किलो प्रति किलो हम लोगों को हुआ, मोटा मोटी 20 रुपए किलो हम लोगों को मुनाफा हुआ। हम सुबह में 5 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक लीची तोड़वाएँ और उसको कार्टून में पैक करके, और यहाँ से पटना ले जाने में पिकअप पर दिक्कत होता था, इसलिए बेलोरो पर लाद के यहाँ से वहाँ पहुँचाए और एयरपोर्ट से उसको वहाँ पर भेजे। बाजार की समस्या से निजात पाने के बाद अब यह ग्रुप अगले चरण पर काम कर रहा है, जहां लीची को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है। शर्मा ने कुछ समय पहले एक वर्कशॉप में हिस्सा लिया था, जहां उन्हें भाभा रिसर्च के एक वैज्ञानिक को सुनने का मौका मिला। उन्हें वहां एक ऐसे ऑर्गेनिक सोल्यूशन के बारे में बताया गया जिसका इस्तेमाल करके 2 महीने तक लीची के रंग, स्वाद और हाइजीन को सहेजा जा सकता है। समूह के किसान अगले सत्र से इस तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं और शर्मा जल्द ही इसका प्रशिक्षण लेने के लिए भाभा रिसर्च सेंटर मुंबई जाने की योजना बना रहे हैं। भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक के द्वारा हम लोगों को लीची को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने का डेमो लगा था, जिसमें हम लोग ने जाके वहाँ देखा वो डेमो को,
और उसके बाद प्रोसेसिंग किया हुआ लीची जो हाइजेनिक भी है, हम लोग फ्रिज में उस लीची को रख के उसका हम लोग प्रयोग किए, तो हम लोग अगले साल से व्यावसायिक दृष्टिकोण से हम लोग उस तरीके से प्रोसेस करके बाजार में बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध कराएंगे उस लीची को। शाहबाजपुर के ये किसान हो सकता है कि अगले सीजन से मौसम और बाजार की इस मुश्किल का तोड़ ढूंढ लें, लेकिन मुजफ्फरपुर और बिहार के दूसरे इलाकों में लीची की खेती कर रहे सारे किसानों की मुश्किलों पर शायद ही इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ पाए। इन किसानों को उम्मीद है कि सरकार अगर उनके लिए रेलवे के माध्यम से तेज परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा दे तो उनकी समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। इसके अलावा किसानों का यह भी कहना है कि बिहार सरकार की आधिकारिक फसल सूची में लीची का नहीं होना उन्हें इस पर बीमा सुविधाओं का फायदा नहीं देता। ये दुनिया भर में मशहूर मुजफ्फरपुर की लीची है जो यहाँ पैक हो रही है मुंबई जाने के लिए। दो दिन बाद ये लीची मुंबई के बाजार में होगी, लेकिन किसानों का कहना है कि इस लीची का ये रंग जो इस समय आप यहाँ देख सकते हैं और वो स्वाद जो इस समय यहाँ इस लीची में है, दो दिन बाद मुंबई पहुँचने पर न वो रंग रहेगा न स्वाद रहेगा। यहाँ इसी गांव से केवल 1 किलोमीटर दूर एक स्टेशन भी है बड़ी लाइन ट्रैक पर, जो न्यू मुजफ्फरपुर जंक्शन प्रस्तावित है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार यहाँ इस स्टेशन से कुछ इस तरह की व्यवस्था कर सके कि रेफ्रिजरेटेड ट्रक लीची लेकर सीधे वहाँ रेक पर जाएं और वहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों में लीची को कम से कम समय में पहुँचाया जा सके, तो एक ओर तो देश के अलग अलग हिस्सों में लीची का यही बेहतरीन स्वाद मिल सकेगा और दूसरी ओर यहाँ के किसानों के लिए लीची उत्पादन का जोखिम कम होगा, ज़्यादा बेहतर भाव मिल सकेगा। मंडी.com के लिए मुजफ्फरपुर के सहबाजपुर गांव से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।